जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, जो लाइट और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में है। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो आपको क्लियर होगा। आज हम लोग मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। मिरर क्या होते हैं, मिरर की कितनी टाइप्स होती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम मिरर को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि मिरर इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स एन इमेज। मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इमेज प्रोड्यूस करने के लिए, छवि पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ज़माने कदीम से, यानी आज से हज़ारों साल पहले से, कब्ल मसीह का जो ज़माना है, तब से इंसान मिरर या मिरर के जैसी चीज़ें इस्तेमाल करता रहा है। पॉलिश सर्फिसेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के काम आए, जिसमें इमेज प्रोडक्शन हो सके, इंसान इस किस्म की डिवाइसेस को सदियों से इस्तेमाल करता आ रहा है। बहरहाल, इमेज मिरर जो है वो एक पॉलिश्ड रेगुलर सरफेस है जिस पे पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होके वो उस चीज़ का इमेज प्रोड्यूस करती है जो मिरर के सामने है। मिरर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले प्लेन मिरर। अगर मिरर जो है वो फ्लैट है तो हम उसे प्लेन मिरर कहेंगे। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी कि प्लेन मिरर क्या होता है, उससे बनने वाला इमेज जो है वो किस तरह का होता है। प्लेन मिरर के अलावा कुछ मिरर्स ऐसे होते हैं जो प्लेन नहीं होते, जो कर्व्ड होते हैं, और उनका कर्वेचर दो तरह का होता है। एक कनकेव मिरर होंगे। कनकेव मिरर जो है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वाली, ये बच्चों कनकेव मिरर है, और इसके नीचे जो आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, ये कन्वेक्स मिरर है। स्पून की जो खाने वाली साइड होती है, जिस साइड पे आप खाना डालते हैं, अगर उस तरफ से आप स्पून को देखें तो वो कनकेव शेप है, और जो दूसरी साइड है स्पून की, दैट इज़ कन्वेक्स। तो जो बल्जिंग साइड है उसे हम कन्वेक्स कहेंगे, और इस शेप के मिरर को कन्वेक्स मिरर कहेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट जो शेप है उसे हम कनकेव मिरर कहें, कनकेव शेप कहेंगे, और उस शेप के मिरर को हम कनकेव मिरर कहेंगे। बच्चों, ये तो हो गई मिरर और मिरर की टाइप्स। अब हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपकी बुक के मुताबिक जो चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है, दैट इज़ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की देखिए जो डायग्राम है, इसमें आपको प्लेन मिरर की एप्लीकेशन दिखाई जा रही हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कॉस्मेटिक मिरर्स हैं, और तकरीबन हर इंसान का, आपका भी वास्ता पड़ता होगा। आप सुबह जब स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो आईने के सामने खड़े होते हैं अपनी तैयारी को फाइनल टच देने के लिए। आईना क्या है? मिरर है, प्लेन मिरर। इसके अलावा रियर व्यू मिरर्स होते हैं गाड़ियों में जो यूज़ होते हैं, पेरिस्कोप। इससे पहले वाली क्लास में हमने पेरिस्कोप के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि पेरिस्कोप के अंदर दो प्लेन मिरर यूज़ होते हैं। तो ये तो हो गई मिरर की एप्लीकेशंस। ये डायग्राम देखिए, इसमें भी आपको मिरर और उसके यूजेस, उसकी एप्लीकेशंस दिखाई जा रही हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि मिरर से बनने वाला इमेज कैसा होता है, प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज। जी बच्चों, ये देखिए आपकी बुक के पेज नंबर 118 पे प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज के फीचर्स बताए गए हैं। हम इन फीचर्स को पढ़ते हैं और इसमें जो टर्म्स डिस्कस होने वाली हैं फिर उस पर बात करते हैं साथ।
देखिए, सबसे पहला जो फीचर है प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज का, वो है कि दे आर विर्चुअल एंड अपीयर टू बी बिहाइंड द मिरर। प्लेन मिरर में जब कोई इमेज बनेगा तो वो इमेज वर्चुअल होगा और यूँ महसूस होगा कि ये इमेज मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। अब आपके जहन में ये बात पैदा होगी कि वर्चुअल इमेज क्या चीज़ है। बच्चों, वर्चुअल इमेज हम ऐसे इमेज को कहते हैं जिसे आप किसी स्क्रीन पे प्रोड्यूस ना कर सकें। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं और आप अपना इमेज आईने में देखते हैं तो वो वर्चुअल इमेज होता है, वो इमेज किसी स्क्रीन पे रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये है वर्चुअल इमेज। जब भी प्लेन मिरर में इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और यूँ महसूस होगा कि वो मिरर के पीछे बन रहा है, जस्ट बिहाइंड द मिरर। जबकि हम अगर मिरर के पीछे देखेंगे तो वहाँ कोई इमेज नहीं होगा। दूसरा फीचर ये है, दे आर द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर के सामने खड़े होके अगर आप इमेज देखते हैं तो इमेज का साइज भी वही होगा जो ऑब्जेक्ट का इमेज है, जो जो ऑब्जेक्ट का साइज है, जो आपका साइज है, सेम साइज आपको आईने में नज़र आएगा। तीसरा फीचर ये है, दे अपीयर टू बी द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो आपके और मिरर के दरमियान डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस आपको फील होगा मिरर के और इमेज के दरमियान। यानी अगर आप आईने के सामने खड़े हैं तो जितना फासला आपके और आईने के दरमियान है, आईने में बनने वाला जो आपका अक्स होगा, जो आपका इमेज होगा, आपको यूँ महसूस होगा कि वो भी आईने से उतना ही दूर है। चौथा फीचर ये है प्लेन मिरर के इमेज का, द इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड। जो इमेज प्रोड्यूस होंगे वो लेटरली इन्वर्टेड होंगे। लेटरली इन्वर्टेड क्या है, अभी मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखा के, कुछ तस्वीरें दिखा के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सिंपल, आप ये याद रख लीजिए कि लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि जब आप आईने के सामने खड़े हों तो आपका जो राइट हैंड है वो आपके इमेज का लेफ्ट हैंड होता है। ये है लेटरली इन्वर्टेड। अगर आप अपनी दाई आंख बंद कर ले आईने के सामने खड़े होके, तो जो आपका इमेज जो आईने में बन रहा है उसकी लेफ्ट आई बंद होगी। इस फिनोमिना को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। मैं ये वर्ड साइंस लिखा हुआ है। अब आप इस साइंस के इमेज को देखिए, राइट टू लेफ्ट अपोजिट है ये, इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। दिस इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। आपने अक्सर देखा होगा कि एम्बुलेंस जो होती है उसके ऊपर वर्ड एम्बुलेंस इसी फैशन में लेटरल इन्वर्जन के साथ राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ होता है, उल्टा लिखा हुआ होता है। रीज़न ये है इसकी कि अगर एम्बुलेंस मूव कर रही है तो सामने उसके आगे वाली जो गाड़ी है उसका ड्राइवर जब उसको अपने मिरर में देखेगा तो उसको ये जो एम्बुलेंस का वर्ड है वो जो लेटरली इन्वर्टेड लिखा हुआ है, जब वो फर्दर इन्वर्ट होगा तो उसको वो दुरुस्त एम्बुलेंस लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये चीज़ जो है, ये जो फिनोमिना है, इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्शन। ये देखिए, इस तस्वीर में आप गोया आईने के सामने खड़े हुए हैं और आईने में, मिरर में आपका इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि जो डिस्टेंस आपके और आपके इस मिरर के दरमियान है, तकरीबन वही डिस्टेंस जो है आपको, या एग्जैक्टली वही डिस्टेंस जो है वो आपको नज़र आ रहा है आपके इमेज और मिरर के दरमियान। ये फिनोमिना जो है वो अभी हमने पढ़ा। अब बच्चों, इससे आगे चलेंगे और अब हम ये देखेंगे, प्लेन मिरर के अलावा और कौन कौन सी ऐसी सिंपल डिवाइसेस हैं जो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्लेन मिरर को तो आप ये कह सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट डिवाइस है जो इमेज फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होती है।
बच्चों इसके अलावा जो एक सिंपल डिवाइस है दैट इज़ कॉल्ड पिन होल कैमरा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज के फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, जो चार फीचर्स हमने डिस्कस किए। इसके अलावा पिन होल कैमरा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आ सकता है आपको, राइट ए नोट ऑन पिन होल कैमरा। तो अगर ये नोट लिखना आ जाए तो आप पिन होल कैमरा के बारे में बताइए ये क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए, इसके स्ट्रक्चर बताइए, इसकी वर्किंग बताइए, और जो इमेज प्रोड्यूस होगा उसके फीचर्स बताइए। पिन होल कैमरा एक ऐसा सिंपल कैमरा है जिसमें आप एक पिन होल को इस्तेमाल करते हैं लाइट के एंटर होने के लिए। जिस तरह आजकल के जो कैमरे हैं उसमें आपने देखा है कि एक शटर है जो इस बात को मैनेज करता है कि लाइट जो कैमरा के अंदर एंटर हो रही है वो कम से कम ड्यूरेशन के लिए, फॉर द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, कैमरा में एंटर हो। तो लाइट की अमाउंट जो कैमरा में एंटर होगी उसे मैनेज करने के लिए, उसे मिनिमाइज करने के लिए पिन होल कैमरे में एक बहुत बारीक सुराख किया जाता है जिसको हम पिन होल कहते हैं। और इस सुराख के जो अपोजिट सरफेस है इस बॉक्स की, ये एक बिल्कुल एक बॉक्स होता है जिसको आप लाइट प्रूफ बॉक्स कह सकते हैं कि इसमें लाइट किसी और तरफ से एंटर नहीं हो पाती। तो सुराख के ओपनिंग के जो अपोजिट फेस है, जो अपोजिट सरफेस है इस बॉक्स की, उसमें आप स्क्रीन के तौर पे कोई मटेरियल यूज़ कर लें, कोई पेपर वहाँ वैक्स कर लें, या कोई स्क्रीन जो है जिसपे इमेज प्रोड्यूस हो सकता है वो आप यूज़ कर लें। अब लाइट इस पिन होल से एंटर करेगी और जो भी ऑब्जेक्ट सामने है जिसकी तस्वीर हासिल करना चाह रहे हैं उसका एक इमेज, उसकी एक तस्वीर आपको उस स्क्रीन पर हासिल हो जाएगी। ये सिंपल सा एक पिन होल कैमरा और इसकी वर्किंग है। ये याद रखिए कि इसका जो पिन होल है उसको बहुत थोड़े वक्त के लिए ओपन किया जाता है ताकि लाइट जो है वो एक इंस्टेंट के लिए इसके अंदर एंटर हो। अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए ओपन रखेंगे तो इमेज उस तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको ये क्लियर हो कि पिन होल कैमरा से बनने वाले इमेज के फीचर्स क्या होते हैं। आप इन प्लेन मिरर और पिन होल कैमरा, इन दोनों से बनने वाले इमेज को कंपेयर करने की पोजीशन में हो, आप इन दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो पिन होल कैमरा से बनने वाला जो इमेज है इसका सबसे पहला फीचर ये होता है, इट इज़ रियल बिकॉज इट कैन फॉर्म ऑन अ स्क्रीन। अब प्लेन मिरर के बारे में आपने सबसे पहला फीचर ये कहा था कि जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, वो किसी स्क्रीन पे आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन पिन होल कैमरा से जो इमेज बनेगा वो रियल होगा, आप उसे किसी स्क्रीन पे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा फीचर ये है स्मालर देन दी ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में आपने ये कहा था कि इमेज का साइज़ वही होगा जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है। पिन होल कैमरा में आप ये कह रहे हैं कि जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से स्मालर होगा, छोटा इमेज प्रोड्यूस होगा। तीसरा फीचर ये है इन्वर्टेड, जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो इन्वर्टेड होगा, वो अपसाइड डाउन इमेज होगा। हमने प्लेन मिरर में कहा था लेटरल इन्वर्शन, इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड होगा, राइट इज़ लेफ्ट एंड लेफ्ट इज़ राइट। लेकिन पिन होल कैमरा में जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो अपसाइड डाउन होगा, उल्टा इमेज होगा। तो ये तीन फीचर्स हैं जो आपको याद रखना है जब आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे, लिखेंगे एग्ज़ाम में, जब जब आप पिन होल कैमरा प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम के।